ये सब पत्ते में क्यों देते? वैसे भैया अपनी शॉप कितनी पुरानी है? अल्मोड़ा मेन मार्केट, यहाँ पे है वो शॉप, यहाँ पे है वो शॉप जहाँ मैं जा रहा हूँ, जो कि उनकी पांचवी पीढ़ी चला रही है। तकरीबन 100-200 मीटर चलने के बाद राइट हैंड साइड में शॉप आ जाती है लाला जोगा शाह। पहुँच गए हम शॉप पे और यहाँ पे इनके मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप अल्मोड़ा आते हो तो। यहाँ आपकी सिंगोड़ी जरूर ट्राई करना। और ये इनकी पांचवी पीढ़ी है जो ये शॉप चला रही है, तो सोच लो कितनी पुरानी दुकान है। वैसे भैया अपनी शॉप कितनी पुरानी है? 1865 साल लगा लीजिए, 160 साल हो गया। 1865 से आविष्कार हुआ था इसको, सिंगोड़ी ना, सिंगोड़ी व्यापार में टाइगर आविष्कार। और सबसे पहला आविष्कार मतलब आप ही करने वाले हैं यहाँ पे ना अल्मोड़ा में? तो ये है भैया हमारे पांचवी पीढ़ी। कल मैं आया था यहाँ पे तो सिंगोड़ी मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बता दूँ कि अगर अभी अल्मोड़ा साइड आना हो तो यहाँ पे आके ज़रूर खा के जाना। और सिंगोड़ी भैया ने बताया कि अगर अपन यहाँ से लेके जाते हैं पैक करके तो 7 दिन तक ख़राब नहीं होती, बस फ्रिज में नहीं रखनी है ना भैया? 7 दिन तक फ्रिज में नहीं रखनी है, बाकी ख़राब नहीं होगी। मैं खाता हूँ यहाँ पे और अपने भाइयों के लिए भी लेके जाता हूँ साथ में। लाला जोगा शाह स्थापित 1865, बालमिठाई एवं सिंगोड़ी के आविष्कार एवं प्रमुख निर्माता। बालमिठाई, सिंगोड़ी, चॉकलेट, केचुआ, मेथी के लड्डू आदि के प्रमुख विक्रेता। ऑर्डर पर गोजे, लड्डू, पताशे, वाओ, बहुत सारी नए नए मिठाइयों के नाम देख रहा हूँ मैं। आप ये सब ऑर्डर इस नंबर पर कर सकते हो कॉल करके। और इनके यहाँ की मुझे एक चीज़ बहुत सही लगी कि यहाँ पे गूगल पे भी एक्सेप्ट होता है कैश के साथ साथ। नहीं तो उत्तराखंड के अंदर अल्मोड़ा कसार देवी में मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, सब कैश है। और कसार में तो ये दिक्कत है ऊपर कि ATM में पैसा भी नहीं होता है, तो नीचे आके कैश निकालना पड़ता है, करीबन 12-15 किलोमीटर आना पड़ता है। वैसे ही ये सब पत्ते में क्यों देते हैं? ये कौन सा वाला पत्ता है? आलू का पत्ता होता है। मालू का पत्ता, ओके। तो पता है महक आ जाती है ना, और थोड़ा पत्ते की वैल्यू होती है ना, महक आ जाती है तो ये इस पत्ते की वजह से ये और टेस्टी हो जाता है। बात तो सही है आपकी, पत्ते में भी पत्ते की तो क्वालिटी है, महक है। वैसे मैं कल आया था और मैं ये दो खाए गया था, तब मैं किसी और काम से आया था तो ब्लॉग व्लॉग नहीं था, तो मैंने सोचा खाने के बाद कि आप सब लोगों से शेयर करूं। आपको फर्स्ट बाइट रिव्यू, वैसे फर्स्ट बाइट रिव्यू नहीं है, बहुत सारी बाइट हो चुकी है पहले, बट इट्स एन अमेजिंग थिंग। मैंने ये एक और मेरे लिए भी पैक कराया और साथ में जो भैया वगैरह ऊपर उनके लिए भी, क्योंकि एक यहाँ खा लेते हैं एक वहाँ खा लेते हैं, बच्चा ही अलग है। मतलब कोरोना के जैसे तो बहुत कुछ अफेक्ट हुआ, पूरा अफेक्ट हो गया अभी। मगर ये मिठाई मुझे ना एक चीज बढ़िया लगी, ज्यादा मीठी नहीं है, मतलब नॉर्मल जो होता है ना वो।